आज हम फिर से चले आए हैं चंद्रा टॉकीज में इस एसी का काम करने के लिए। इस एसी का जो है वॉल्व लीक है, दोनों वॉल्व लीक है। तो सबसे पहले जो इस एसी के अंदर हम काम किए थे, इंडोर यूनिट का कॉइल चेंज किए थे, तो जब हम कॉइल चेंज करने के लिए आए थे तो देखे थे कि इनका कॉइल का जो है स्थिति काफ़ी ख़राब है, जबकि कॉइल हम पेंडिंग नहीं किए थे, ऐसे ही बोरा में करके रखा हुआ था एसी। तो जब चेंज करते टाइम देखे कि इनका कॉइल का स्थिति ख़राब है, तो कॉइल तो चेंज कर दिए थे। फिर हमको लगा कि इसका जब कॉइल चेंज कर दिए तो अब कुछ रहा ही नहीं चेक करने के लिए, गैस डाल के चले गए। कुछ दिन बाद फिर इसका गैस निकल गया, चेक करने आए तो देखे इसका जो वॉल्व लीकेज है। तो आज वॉल्व भी लेकर के आ गए हैं, आज इसका काम जो फाइनल करते हैं और परमानेंट के लिए इसको ठीक करेंगे। गैस लेने के लिए जो आ चुके हम दुकान पे, 32 नंबर गैस लेना है, तो इसके अंदर कुछ गैस था 410 नंबर वाला, ये सिलेंडर 32 नंबर वाला। गैस वैस लेकर के पूरा जो है आ गए हैं पूरा तैयारी के साथ। तो अब जो है अबूजर इसको खोलने के लिए आया है, फटाफट खोलो इसको जल्दी से। उस दिन आकर के इसके अंदर प्रेशर जो होल्ड किए थे वही प्रेशर इसके अंदर से निकल रहा है अभी। बस ये दोनों वॉल्व जो है लीक है, समझे, सक्शन और डिस्चार्ज, ये जड़ से ही लीक है, पूरा जड़ जड़ होते हैं। इसको भी खोल, यही सब पे देखिए पपड़ी उड़ रहा है इसका, देख रहे हैं पूरा जैसे लग रहा है पपड़ी बैठा है। देखिए अब पूरा ही खोल के हटा दिया है, पार्ट पुर्जे देख रहे हैं, जड़े से लीक है, ये भी पूरा जड़ से। इधर से रहता तो कुछ कर देते इसमें रबर उबर लगा के, लेकिन ये जड़ से ही लीक है। तो ये अपना वो दोनों नया वॉल्व जो इसके अंदर लगाएंगे। एक चीज़ डिफरेंस है कि इसमें जो पुराना वाला है वो इस तरह से एल बना हुआ है, लेकिन ये सीधा है, तो इसको थोड़ा सा जो एडजस्ट करना होगा। तो देखिए इसको हम क्या कर रहे हैं, ये पुराना वाला वॉल्व का जो पाइप काट लिए, देखिए ये वाला ठीक है, और इसमें से भी थोड़ा सा काट करके इनको हम ऐसे फिक्स कर देंगे। इस बल्ब के अंदर से जो है ये स्प्रिंग लगा रहता है इसमें, इसको इसमें से निकाल लिए हैं, और इसको जो है ना इसमें से रबर जो वो निकाल लेते हैं, नहीं तो इसको गर्म करेंगे हीट होके ये अंदर में जो है जल जाएगा, रबर बड़क जाएगा। वेल्डिंग करने के बाद इसको जो फिर से हम लगा देंगे। देखिए ये वाला रबर जो रहता है गर्म करेंगे इसमें पिघल जाएगा इसमें, फिर ये गैस जो लीकेज होना शुरू हो जाएगा, इसलिए इसको निकाल लिए हैं अभी। देखिए बढ़िया तरीक़ा से एकदम हो गया ब्रिजिंग, ये भी एकदम परफेक्ट हो गया, ये छोटा वाला का है, ये ऊपर वाले का है ना, तो ये रबर लगा लेंगे। देखो इसका इनके अंदर का जो टोटल काम था सब कंप्लीट हो गया। अब इसको उठा रहे हैं और वहीं पे रखेंगे जहाँ पे रखा हुआ था, ये यहाँ पे रखा हुआ था। ये अपना वैक्यूम पंप है और इसको बढ़िया तरीका से एकदम जो लगभग 20 मिनट से आधा घंटा तक जो बढ़िया से वैक्यूम करना है हमको। अरे सलाह, ये देखिए कैसे धुआं छोड़ रहा है, बताइए इसके अंदर कितना मॉइस्चर था।
और कितना इसके अंदर जो अवांछनीय हवा घुसा हुआ है। वैक्यूम पर जो लगा दिए हैं 20 मिनट जो इसको वैक्यूम करेंगे तो आराम से वैक्यूम हो जाएगा 20 मिनट में, और उसके बाद सिलेंडर में गैस रखा हुआ है गैस फिलअप कर देंगे। तो पहले इसको वैक्यूम होने देते हैं 20 मिनट तक। चलो बंद करो, बोल पहले बंद करो। रुपया बोलने के लिए हो गया क्या? वैक्यूम करने के बाद थोड़ा सा गैस हम इसके अंदर डालें और उसके बाद अभी आए इसको चालू करने के लिए। तो ये चल रहा है अभी, अब जा कर के ऊपर जो पूरा गैस इसमें फिलअप करेंगे। खोलो खोलो, हाथ नहीं हो ना ना, वहाँ से नट के पास चलो। जाने दो ना। ये नट के पास से जो कसे थे यहाँ से लीकेज चेक कर रहे हैं तो कहीं से कुछ नहीं है, एकदम ठीक ठाक है सब। अब गैस का प्रेशर देखिए इसमें 140 चल रहा है, ठीक है। और इसका भी हम रिटर्न देख लेते हैं। रिटर्न जो है एक नंबर है, एकदम चिल्ड कर रहा है। आउटडोर यूनिट जो एकदम गर्म हवा जो है, वाह पूरा हीटिंग हवा फेंक रहा है। ऊपर आउटडोर वाला काम कंप्लीट करके नीचे इंडोर में आ गए, तो अभी ये इंडोर जो चल रहा है देखिए एकदम चिल्ड हवा फेंक रहा है, एकदम चिल्ड। यहाँ का काम हमारा कंप्लीट हुआ तो वीडियो को भी समाप्त करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अब नेक्स्ट कंप्लेंट पर। जय हिंद।